एक्स एम्पायर पर बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अभी सीजन में क्या करना है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग खेल भी रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी खेल रहे हैं, और यार आपके नहीं खेलने से यार आपके पहले एयर ड्रॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेफिक्र रहना। अगर नहीं भी खेल रहे तो आपको पहला एयर ड्रॉप जो मिलना था वो मिलेगा ही मिलेगा 15 अक्टूबर के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप नए नए बंदे हो और अभी खेलना शुरू कर रहे हो, अगर आप नए हो इस गेम के अंदर या पुराने भी हो, तो आपको अब तक पता होगा कि टीम के अंदर ये जो नीचे दो कार्ड आते हैं ये बेस्ट कार्ड है दोस्तों पूरे गेम के अंदर, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पर आवर या कॉइन्स पर आवर यही बढ़ा करके देते हैं। तो आपको जब मौका मिले दोस्तों तो आपको इन्हें इंप्रूव करना है, इन्हें अपग्रेड करना है। उसके बाद दोस्तों पर्सनल में आके ऊपर ये जो बॉडी आपको दिख रही है ना, यहाँ पे बॉडी के अंदर ये चारों कार्ड अच्छे हैं, ठीक है। नीचे आप आओगे तो ये यहाँ से सेल्स से लेके नीचे तक के कार्ड अच्छे हैं, तो आप इन्हें अपग्रेड करना। बाकी अगर आप लेवल 20 रीच करोगे तो एआई का सेक्शन खुलेगा, वहाँ पे फिर एडिशनल कार्ड भी होते हैं। लेकिन यार पर्सनली मैं इन लोगों को ही अपग्रेड करूँगा जो नीचे फाइनेंस डिपार्टमेंट में दिख रहे हैं, ताकि मेरा जो प्रॉफिट पर आवर है या कॉइन पर आवर है वो जल्दी इंप्रूव हो, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट्स करके बताना यार कि आप कौन से लेवल पे हो अभी एक्स एम्पायर में, जो नया सीज़न आया है या जो नया फेज़ आया है चिल फेज़। और मैं तो यार 10th पे हूँ और बहुत सारे लोग इससे आगे भी हैं मैं जानता हूँ, लेकिन चलो देखते हैं साथ में आगे बढ़ेंगे। और बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही यार, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।